हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मलिकाज लिटरेचर क्लासेस। आई होप कि आप लोगों को लास्ट वीडियो देखकर मज़ा आया होगा, क्योंकि चाइल्डहुड से जो भी चीज़ें रिलेटेड होती हैं ना, वो आपको हमेशा एक कंटेंटमेंट प्रोवाइड करती हैं, आपको एक हमेशा एक हैप्पीनेस प्रोवाइड करती हैं। जब मैंने ये पोएम पढ़ी थी तो मुझे भी बहुत अच्छा फील हुआ था, एंड कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा सैड भी थी कि सीरियसली खुद से क्वेश्चन पूछा था कि यार मैंने अपना चाइल्डहुड कब लूज़ किया था, कब मैं अचानक से बड़ी हो गई थी। लाइफ में कभी कभी ऐसे सिचुएशंस, ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है एंड आप अचानक से बड़े हो जाते हो, पता ही नहीं चलता। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन, क्वेश्चन आंसर सेशन। बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, एकदम बिल्कुल ही ईजी। सबसे पहले आपको बताना है कि कौन से पैरा, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स जो हैं, वो कौन कौन से थॉट को या क्वालिटी आप कह लो या डिसक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो सबसे पहला जो पैरा है वो रैशनलिज्म को, सेकंड जो पैरा है वो हिपोक्रेसी को, एंड थर्ड जो पैरा है वो इंडिविजुअलिटी को। बस इतना ही लिखना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेटा है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएम इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। आप जितना भी एलोबरेट करना चाहते हो इस आंसर को ईजिली कर सकते हो, मतलब यार कौन कौन से प्रोसेस से आप गुजरते हो। तो जैसे कि आपने पढ़ा, किस तरीके से आपको पता चलता है, सबसे पहले रैशनैलिटी गेन होती है जब आपको फ़र्क पता चलता है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। यू स्टार्ट टू यूज़ योर माइंड, आपको पता चलता है कि जो भी बचपन में बोली गई हैं कहानियाँ परियों की एंड शक्तिमान की एंड शकलक बूम बूम की, वो सब कुछ गलत है, और तब अपना चाइल्डहुड आप लूज़ कर देते हो। कहीं ना कहीं वो प्रोसेस होता है आपकी अडल्टहुड का। नेक्स्ट है जब आपको पता चलता है कि जो दिखता है वो एक्चुअल में होता नहीं है, आपको जो चीज़ें सिखाई जाती हैं, जिस पर्सन के ज़रिए सिखाई जाती हैं। एक चीज़ आपको भी पता है ना बेटा, जस्ट फॉर इंस्टेंस आप मान लो कि एक फादर है जो अपने बच्चे से सिखाते हैं कि इंटॉक्सिकेशन जो होता है वो बिल्कुल गलत होता है, शराब पीना या स्मोकिंग करना गलत होता है, और वो बहुत अच्छे से सीख देते हैं पूरे दिन भर। लेकिन वही बच्चा जब अपने पेरेंट को, अपने फादर को रात में ड्रिंक करते हुए देखता है, सो आपको क्या लगता है, वो उनकी बातों को मानेगा कि उनके एक्शन को फॉलो करेगा? नो डाउट उनके एक्शन को। सो हमारे जो एल्डर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द एल्डर्स, वो बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। लव एंड पीस की हर कोई बातें करता है, बट फॉलो कर पाना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। सो हिपोक्रेसी हम लर्न करते हैं, डबल स्टैंडर्ड हम जानते हैं इस सोसाइटी का, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें पता चलता है कि इफ़ वी वॉन्ट सो हम भी एक अपना थॉट प्रोसेस रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ सोसाइटी जो हमें सिखाए वही हम सीखें, अपने थॉट, अपने परसेप्शन, अपने व्यूज़ भी हम रख सकते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। सो बहुत सारे प्रोसेस हैं। और बेटा जिस इस मार्कस नेटन ने तीन चीज़ों के बारे में बताया, इस तरीके से ये प्रोसेस होता है ग्रोइंग अप का, बड़े होने का। बट अगर आपके पास अगर ऐसे और भी एडजेक्टिव्स हैं, ऐसे और भी वर्ड्स हैं जो आपको पता है कि ये भी लर्न करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम ग्रो अप हो रहे हैं या एक प्रोसेस होता है अडल्टहुड का। सो प्लीज़ कॉमेंट मी माई कॉमेंट सेक्शन, मैं पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद करूँगी आपके आंसर्स को। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द पोइट्स फीलिंग टुवर्ड्स चाइल्डहुड। नाउ इट्स क्वाइट कन्फ्यूजिंग, क्यों? क्योंकि कुछ लोग लिखते हैं कि पोइट सैड थे, कुछ लोग लिखते हैं कि पोइट नॉस्टैल्जिक थे, अपने पुराने वक्त को याद कर रहे थे। बट बेसिकली इफ़ यू आस्क मी कि व्हाट आई फील अबाउट दिस क्वेश्चन, सो आई थिंक कि पोइट कन्फ्यूज थे। जैसे एक छोटा सा बच्चा कन्फ्यूज होता ना, कि परेशान हो जाना कि यार मैं इतना जल्दी कैसे बड़ा हो गया, अभी तो कल ही की बात थी जब इतनी इनोसेंस थी कि समझ में नहीं आता था दुनिया इतनी बुरी है, नहीं पता था, अचानक से कैसे पता चल गया यार कि दुनिया इतनी बुरी है, कैसे? सो अकॉर्डिंग टू मी द पोएट इज सो मच कन्फ्यूज्ड। बट अगर आपका आंसर डिफरेंट होगा मेरे से, सो दैट वुड बी ऑल्सो एक्सेप्टेबल, वो सही होगा। सो जो भी आंसर होगा आप कॉमेंट करिएगा। नेक्स्ट है, एट लास्ट, विच डू यू थिंक आर द मोस्ट पोएटिक लाइन्स एंड व्हाई। अब आपको इस पूरी पोएम में कौन सी सबसे अच्छी पोएटिक जो है, जो भी लाइन्स है, वैसे तो पूरी पोएम ब्यूटीफुल है, पूरी की पूरी पोएम,
तो आप इसमें से कोई भी दो लाइन सेलेक्ट कर सकते हो एंड आप बता सकते हो कि आपको ये लाइन क्यों पोएटिक लगती है। जनरली मैंने एग्ज़ाम लिया था अपने बच्चों का एंड बच्चों ने गूगल आउट किया, बच्चों ने अपना व्यू नहीं यूज़ किया। उन्होंने जब भी आप गूगल आउट करोगे तो आपको बस एक ही आंसर मिलेगा और वो पोएटिक कौन सी लाइन्स को मानता है, लास्ट वाले को। Where did my childhood go? It went to some forgotten place that's hidden in an infant's face. But याद रखिएगा बेटा कि गूगल पे भी जो लिखते हैं वो अपना परसेप्शन लिखते हैं, अपना व्यू लिखते हैं। सो अगर आपको कोई दूसरी लाइन, अगर मुझसे आप पूछो तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छी जो लाइन मुझे लगी थी, मोस्ट पोएटिक लाइन जो लगी थी वो ये लगी थी, वॉज इट वेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइंड टू यूज विच एवर वे आई चूज। एंड वैसे ही आपको भी सोच करना है एंड क्यों पोएटिक लगी ये बताना है आपको। एंड एक और चीज़ जो मैंने मिस कर दिया था लास्ट वीडियो में, एक और पोएटिक डिवाइस है बेटा जिसका नाम है इन्वर्जन। ओके, आई एन वी ई आर एस आई ओ एन, इन्वर्जन। ठीक है, इन्वर्जन का मतलब क्या होता है बेटा बता दूँ कहाँ पर यूज़ हुआ है। ठीक है, टू यूज विच एवर वे आई चूज, जब सब्जेक्ट एंड वर्ब का जो फॉर्मेट होता है उसको गड़बड़ कर दिया जाता है, एकदम बिल्कुल कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो वहाँ पे जो इसको कहते हैं पोएटिक लाइसेंस, नॉर्मली हर पोएट के पास नहीं होता है, लिमिटेड पोएट्स के पास होता है, जो जिस तरीके से चाहे फॉर्मूलाज को बिल्कुल ही एकदम होता है ना कि डिफॉर्म करके अपने तरीके से यूज़ कर सकता है। सो जैसा कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब आता है, देन आप हेल्पिंग वर्ब एंड देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट ऐसे आता है। बट आप यहाँ पर देख रहे हो कि सबसे पहले टू एंड यूज एंड बिल्कुल मिड में, सो आपको एकदम लाइन पढ़ के ही पता चल रही है कि सब्जेक्ट वर्ब का फॉर्मूला नहीं है। सो बिल्कुल इसको ऑपोजिट कर दिया गया है एंड नॉर्मली अगर ग्रामेटिकली देखें तो ये गलत होगा, लेकिन पोएट के पास पोएटिक लाइसेंस होता है एंड जिस तरीके से चाहे वो हेरा फेरी कर सकते हैं, इवन कुछ वर्ड्स की जो स्पेलिंग है वो राइमिंग स्कीम बैठाने के लिए वर्ड्स की स्पेलिंग को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। आई जस्ट होप कि आप लोगों को ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा एंड आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। सो जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ट्राई टू बी more human every day.